ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक फंडामेंटल कॉर्टिकल ऑफ एटम, जो हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 के केमिस्ट्री को, चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था। आज हमारा जो 5th लेक्चर है उसमें जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल कॉर्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, इसके बाद हम ब्रीफली इंशाल्लाह वन बाई वन हर पार्टिकल जो है उसको स्टडी करेंगे। हमने पिछले लेक्चरों में भी एटम का स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि एटम के जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, ठीक है। एटम्स में याद रखिए कि एटम में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं क्या, एक हमारे साथ है न्यूक्लियस और दूसरा जो पार्ट्स होता है वो क्या है, वो ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं, ठीक है। तो एटम हमारे साथ दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक को हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। याद रखिए कि न्यूक्लियस में हमेशा हमारे साथ क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो मौजूद होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या पर होते हैं, शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं शेल्स में या ऑर्बिटल्स में। तो हमारे साथ एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह होता है, एक पोर्शन उसका होता है न्यूक्लियस और दूसरा पोर्शन उसका क्या होता है, शेल्स या ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस में हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और शेल्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब अगर हम चार्ज की बात करें, हम इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे, मगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है क्या, वो होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। ओके, और अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, क्या पर प्रोटॉन जो है इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर देयर इज नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसे इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यूट्रल या न्यूट्रॉन। सो अब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, लोकेशन। इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं, और ये क्या करते हैं, इन वेरियस ऑर्बिट्स। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द न्यूक्लियस अराउंड द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक अगर हम एटम को देख लें तो एटम में ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, ये हमारे साथ शेल्स है, तो इलेक्ट्रॉन इस शेल्स में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं यहाँ पर। और इस पर जो चार्ज होता है, अगर हम बात करें चार्ज की, तो उस पर इस पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जैसे कि आई टोल्ड यू अर्लियर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज -1.602 × 10⁻¹⁹ −19, इस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिवली होता है, और ये मौजूद कहाँ पर होते हैं, ये ऑर्बिट्स या शेल्स में ये मूवमेंट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो अगर हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन हमारे साथ नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, सो प्रोटॉन की लोकेशन, यानी प्रोटॉन हमारे साथ कहाँ पर होते हैं सेल एटम में, सो प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन हमारे साथ कहाँ पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस
ऑफ एन एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि प्रोटॉन हमेशा कहाँ पर मौजूद होते हैं, एन साइड द न्यूक्लियस। एटम हमारे साथ ऑर्बिट्स हैं, उस ऑर्बिट्स में एन साइड जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन, ठीक है, मौजूद होता है एन साइड द न्यूक्लियस। अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पर चार्ज कौन सा होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, पॉजिटिव। एंड प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे साथ तकरीबन 1837 टाइम्स हैवियर है, 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से तकरीबन इसका वजन इतना भारी होता है। सो नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट जो पार्टिकल है वो होता है न्यूट्रॉन। द थर्ड वन पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। इस पर जो चार्ज होता है, नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00। अगर हम मास की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो कितने हैं, वो है तकरीबन 1.00866654, ठीक है, इतना तकरीबन AMU अगर हम इसे एटॉमिक मास यूनिट में लें, ठीक है, और अगर हम KG में लें तो 1.6749 10^-27 KG, अगर हम इसे ले लें KG में, तो इसका ये क्या है, ये हमारे साथ न्यूट्रॉन का मास है। कंपेरिजन विद इलेक्ट्रॉन, द न्यूट्रॉन इज 1842 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये तकरीबन 1842 टाइम्स हैवियर है किस से, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। सो हमारे साथ जो मास है प्रोटॉन का वो हम लिखते हैं, मास जो प्रोटॉन का है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो तकरीबन सेम होता है। सो प्रोटॉन का भी जो मास होता है वो है 1.0072766 AMU, और अगर हम उसे केजी में लें तो केजी में 1.6726 10^-27। ये इसका मास है क्या, प्रोटॉन का, प्रोटॉन। तो ये थे हमारे साथ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। मगर आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे साथ पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इसका लोकेशन क्या है और इस पर चार्ज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये मौजूद होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, रिवोल्यूशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस मीन ऑर्बिट्स या शेल्स में। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा हमारे साथ चार्ज होता है नेगेटिव, और जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, देयर इज न्यूट्रल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इंशाल्लाह अपने अगले क्लास, अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।